हेलो एस्पायरेंट्स, कैसे हो सब। वन मिनट वन टॉपिक सीरीज में आपका स्वागत है। आज अपन बात करेंगे स्लेंटरेटा फाइलम की, जिसे निडेरिया भी कहा जाता है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैसा होता है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। सिमेट्री की बात करें तो रेडियल सिमेट्री होती है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो डाइप्लोब्लास्टिक के अंदर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इनके अंदर देखा गया है, और वो एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर दोनों टाइप के डाइजेशन करता है। फर्टिलाइजेशन की बात करें तो एक्सटर्नल के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। डेवलपमेंट की बात करें तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। इनके अंदर जो खास चीजें होती है वो क्या है, इनके अंदर नीडोब्लास्ट या फिर नीडोसाइट्स इनके अंदर होती है, जिनको स्टिंगिंग सेल्स कहा जाता है। और इनके दो फंक्शंस हैं, एक तो है इनका डिफेंस और दूसरा है कैप्चर ऑफ प्रे, खुद की रक्षा करते हैं और दूसरे का शिकार करने में ये हेल्प करती है। और इनके अंदर गैस्ट्रोवैस्कुलर जो कैविटी है उसके अंदर एक सिंगल ओपनिंग होती है, माउथ ऑन हाइपोस्ट्रोम टाइप का इनके अंदर देखा गया है। पॉलिप इनके अंदर दो फॉर्म्स होती है, एक पॉलिप और एक मेडुसा। पॉलिप क्या होती है, पॉलिप का मतलब सेसाइल एंड सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल शेप होगा, सेसाइल का मतलब नीचे से कनेक्टेड होगी, ठीक है। एग्जांपल की बात करें तो हाइड्रा और एडेमसिया। मेडुसा जो फॉर्म है वो क्या है, फ्री स्विमिंग होगी, मतलब नीचे से कनेक्टेड नहीं होगी, पानी के अंदर तैरती रहेगी, ठीक है। और अम्ब्रेला शेप की ये होती है। एग्जांपल की बात करें तो ओरेलिया इसका एग्जांपल है। मेटाजेनेसिस की बात करें तो मेटाजेनेसिस इनके अंदर होती है। मेटाजेनेसिस होता क्या है वो पहले बता दूं, तो पॉलिप जो फॉर्म है वो मेडुसा के अंदर जा सकती है, कैसे, असेक्सुअली वो मेडुसा के अंदर जा सकती है, और मेडुसा फॉर्म जो है वो पॉलिप के अंदर आ सकती है सेक्सुअली, ठीक है। इसको याद रखने के लिए सिंपल सी तरीका वो क्या, एमएसपी, एम फॉर मेडुसा, एस फॉर सेक्सुअली, पी फॉर पॉलिप। तो मतलब मेडुसा जो है वो सेक्सुअली पॉलिप के अंदर आ सकती है, मतलब पॉलिप जो है वो असेक्सुअली मेडुसा के अंदर जा सकता है। अब इसका एग्जांपल की बात करें, ओबेलिया इसका एग्जांपल है। कोरल्स के अंदर क्या है, कोरल्स के अंदर अपन को कैल्शियम कार्बोनेट का क्या, अपन को स्केलेटन देखने के लिए मिलता है। एग्जांपल्स की बात करें तो याद रखने के लिए सिंपल सी जो ट्रिक है वो क्या है, गैप में पार्क कार, कार को हमेशा गैप के अंदर पार्क करनी चाहिए। तो जी फॉर क्या हो जाएगा, गोर्गोनिया, ए फॉर एडम्सिया, पी फॉर फाइसेलिया, एम फॉर मेंड्रिना, पी फॉर पेनेटूला एंड सी फॉर स्लेंटरेटा, मतलब स्लेंटरेटा की एग्जांपल्स हैं। तो ये अपना टॉपिक कंप्लीट है, स्लेंटरेटा जिसको निडेरिया भी कहा जाता है। जैसा भी आपको लगे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके जरूर बताना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए सारे पढ़ते रहो।